वैसे हॉट टेम्परेचर नहीं, इधर की जीन्स ही वैसे है। एक जीन पैंट है ना यहाँ, जीन्स पैंट है। देखो अभी हम ये रामेश्वर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, जैसा सोचा था वैसा रास्ता नहीं है। बहुत ऐसा लगता है कि कहीं 10 साल पहले जो रास्ते थे हिंदुस्तान में, ऐसे रास्तों से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, रोड अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं अभी 10 साल पहले कोई ट्रिप पे निकले हो ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटीरियर रोड है, कोई ऐसे फोर लाइन रोड नहीं है। ये देखिए हमारे को लग के सी है, यहाँ नेविगेशन में दिख रहा है जो हमारा रास्ता है उसको लग के सी है। अच्छा क्या बात कर रहे थे जीन के बारे में, क्या बात कर रहे थे? जीन पैंट का जो यहाँ अभी एक बाइक वाले भाई साहब थे, उनको पूछा कि ये समुद्र यहाँ जो लग के है आधे किलोमीटर में, तो यहाँ से समुद्र जाने के लिए रास्ता है क्या? तो इन्होंने बताया कि आधे किलोमीटर पे रास्ता है। जस्ट एक बार देख के जाते हैं कैसा है, दिख तो अच्छा रहा है पानी यहाँ से, अभी थोड़ा सा दूर हो गया, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, तो अभी हम सी से थोड़ा दूर जा रहे हैं। लेकिन ये 10 साल पहले हम जब रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो कैसे रोड हिंदुस्तान में है। कल हम मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में कहा था कि मदुरई से रामेश्वरम जाते हो वो रोड इतना ये था ना कि जैसे गुजरात का कोई कच्छ के इलाके में घूमते हो ना ऐसा लगा था। ये तमिलनाडु और केरल के बारे में जो हमारा धारणा थी, हमारी धारणा थी कि कैसा है, ग्रीनरी बेल्ट है पूरा अच्छा है, वैसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। एक गुजरात के कच्छ वो रेगिस्तान में घूम रहे हो ऐसा लग रहा था, सिर्फ ताड़ी के पेड़ थे वहाँ और कुछ नहीं था, तो वो एक थोड़ा सा अलग देखने को मिला तमिलनाडु। अभी यहाँ तमिलनाडु में ही रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाते हुए ये रोड कुछ इतने खास नहीं मिल रहे, यहाँ कुछ डेवलपमेंट कम है और काफी बैकवर्ड एरिया भी लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई इतना डेवलप नहीं है एरिया यहाँ पे। देखो ना समुद्र उधर, समुद्र का है नहीं दिख रहा है, कैमरा में नहीं आएगा, ट्राई किया मैंने दिखाने का लेकिन नहीं आया। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुमको, ये क्या लिखा हुआ है भाई? भाई भाई क्या बोलते सी यहाँ से रुको वहां से जा सकते ना। यस थैंक यू थैंक यू। अरे डीजल भरवा रहे मर जाएंगे कभी, हुए है आपसे अरमान जिंदगी के हम जिंदगी। अरे ये भूत आ गया, शाहरुख खान का घर आएगा बीच में। अब देखिए ऑन द वे कहीं रास्ते में हमको समुद्र दिखा जो हमारे रोड को पैरेलल था, तो उसको हम निहारने के लिए आ गए हैं। निहार का साबुन लगा
अरे पत्थरों पे जाना पड़ेगा उधर उसमें शायद रोड है उसमें शायद रोड है देखो रोड दिखा रहा है उसमें क्या बात है वहां तक है ना जाने चलो बुला के देखते हैं नहीं नहीं आ जाओ जाना नहीं नहीं जा सकते अपन चल के भले जाके देखो तो चल चल के जाने बोल रहा हूं चल के जाने बोल रहा हूं मिल जाए स्मेल आ रही है आज बाजू में बता गाड़ी 1 रुपए वाली है इनकी आदत हो गई है ऐसी करो बाप रे कसलो वासी तो है दोपहर असलवर जरा जास्त अजून तो ये समुद्र देखने आए थे हम लेकिन जैसे दरवाजा खोला पैकिंग चालू है बदबू वालों को वेयर हाउस हो गया अरे बाप रे बाप ओ गॉड दरवाजा खोलते ही जो बदबू आई है मछलियों की ये देखो अरे भगवान तुरंत दरवाजा बंद करके बैठा है और गाड़ी को यू टर्न मारा है नहीं अभी अब नहीं था मैं अंदर गाड़ी में जो वाश नहीं जैसे भाई बाहर से करते हूँ अंदर नहीं बिजली का खास कांच खोल देंगे सब तो ये देखिए समुद्र देखने की चाह रहती है लेकिन क्या करेंगे अब वहाँ पे मच्छियों का मेन रोड पे तो मेन रोड रहा बस मुझे अंदर नहीं आना गांव वालों में तो नहीं आने वो जैसे कि चल रहे हैं तब आ रहे हैं ना चलो धीरे धीरे हाँ तो समुद्र देखने की लालच में अंदर आए हैं लेकिन जैसे दरवाजा खुला जो मछलियों की बदबू आई है तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर बैठा और गाड़ी को यू टर्न मार के निकल लिया बाबा 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 यहाँ लोग कैसे रहते होंगे यही सोच रहे हम हॉर्न दो हमारा उत्कर्ष भाई बोलते पीछे से गाइडेंस करते हमको हॉर्न दो आगे खड्डा है आगे स्पीड ब्रेकर है आगे गाड़ी है आगे ये है आगे वो है ऐसा वो बोलते हैं जैसे ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको तो कुछ समझता ही नहीं है उसको दिखता ही नहीं है नहीं ये देखो ये ना ये ना इंसाफी है ये नहीं ये क्या बोलते हैं इसको इंटॉलरेंस बोलते हैं इंटॉलरेंस बहुत आ गई है असहिष्णुता ये जैसे मोदी जी आए सरकार में ऐसे लोगों की बहुत 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 ऐसे लोगों की असहिष्णुता बढ़ गई है अभी देखो ये हम तो यार जो सोच के आए थे वो सोच तो हमारी ये हो गई व्यस्त हुई ठीक है चलो निकलते हैं और जाते हैं वापस इधर अपना कन्याकुमारी की ओर चलो ये बहुत ही नैरो रोड है यहाँ पे बड़ी गाड़ी के लिए बहुत तकलीफदायक है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं अभी बहुत मैंने ये बोल रहा हूँ कि रोड बहुत ही मतलब 10 साल पहले भारत में चले गए ऐसा लग रहा है कन्याकुमारी में एंट्री कर रहे हैं ये लगभग रामेश्वरम से करीब करीब 150 किलोमीटर तक रोड खराब था मतलब सिंगल रोड और पूरा एकदम दैट इज ड्यू टू डेंसिटी एकदम पुराने जमाने में चल रहा है वैसा रोड और अभी कौन सा था रोड अच्छा आया ये कौन सा रोड था कौन सा वो था तिरुनिवेलिन से रोड अच्छा आया वहाँ से फैंटास्टिक रोड था और एकदम मस्त एकदम फटाफट नॉन स्टॉप आया कन्याकुमारी में भी एंट्री कर रहे हैं माले वाले रहती है ना बिचारे जैसे मंदिर बगल जगह स्वामी विवेकानंद का ये स्टेट है हल्का कैसे मटन है